कैरेक्टर के बारे में बताइए कि इस मूवी में करके आपको एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और कितना इंटरेस्टिंग रहा है करके? इस जब तुम कहो में मेरा कैरेक्टर खुशी का कैरेक्टर है, और जब ये फिल्म मुझे मिला था तो मैं बहुत खुशी हो गई थी, क्योंकि ये बंगाली कैरेक्टर है जो मैं हूँ बंगाली, और यहाँ पे परवीन जी ने बहुत हेल्प किया है मुझे, और विक्रम सर ने बहुत हेल्प किया है, पूरा टीम ने बहुत मुझे हेल्प किया है, और राजीव सर को भी थैंक्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर में। विक्रम जी बेसिकली सॉरी बेसिकली हमारे जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी उसमें डेलियट बॉय बंगाली गर्ल से मिलने जाती है, तो नेचुरल वे रखने के लिए मैंने कास्टिंग वैसी की, आप अभी भी देख रहे होंगे कि प्रोनाउंसिएशन वैसी है, तो वो आपको फिल्म में भी कहीं ना मतलब गुदगुदाएगी, वो कहीं ना कहीं वो आपको आपके हार्ट को छू के जाएगी कि भाई वो इनोसेंस ही बरकरार रखी है, मैंने ट्राई किया है, वो हिंदी भी बोल रही है फिल्म में तो वैसे ही प्रोनाउंसिएशन। जी आप कुछ विक्रम जी मेरा सवाल आपसे है, माशाल्लाह कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर मेरा ये सवाल है कि जो बंगाली टच आपने दिया है फिल्म को, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, प्रवीण जी भी दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में एक बड़ा ही जो दिल्ली के बॉयज़ हैं कॉलेज गोइंग, हम भी थे जब, तो हमारा एक प्रस्पेक्टिव बना हुआ है बंगाली गर्ल्स के लिए कि दे आर स्वीट हॉट एंड सेक्सी, तो वो एक माइंड में आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा बट प्ले ये कर रहे हैं राइट, मैं बुलवाना चाह रहा हूँ बेसिकली इनके उसे, तो उनका नाम इन्होंने खुशी इसलिए रखा था कि इनको खुशी मिले, कुमार को खुश करना चाहिए वो था, और कोई वजह ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। दूसरी बात यह है कि कलकत्ता सिटी सिनेमेटिक व्यू बहुत अच्छा है उसका, मतलब आप कैमरा कहीं भी रखिए काफ़ी अच्छा, मतलब फिल्म के अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं अगर आप सिटी शूट कर रहे हैं, तो एक माइंड में था कि दो सिटी को क्लब कर रहे हैं। सॉन्ग्स कितने हैं इसमें? चार गाने हैं सर। आइटम सॉन्ग ये आइटम सॉन्ग नहीं है, क्लब सॉन्ग है, और क्लब सॉन्ग मतलब फिल्म से अलग नहीं है, फिल्म की स्टोरी के बीच में डिमांडेड है, आप देखेंगे उसमें मेरा एक्टर क्लब सॉन्ग में कुछ अलग से कोरियोग्राफी नहीं की गई है उनके लिए स्पेशल, ही इज प्ले एज एज एन एक्टर एज अ करेक्टर उसमें फिट करते हैं। जब प्रोड्यूसर के बारे में आप प्रोड्यूसर आपका इंटरेस्ट क्या? जी 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 राजीव जी हैं, राजीव जी प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। इनके आप प्रोडक्शन फर्स्ट मूवी है, क्यों लगा था कि आपको मूवी बनाना चाहिए? लगा था ऐसा तो कुछ नहीं है कि सभी जानते हैं कि आगे बढ़ने का चांस हर आदमी लेता है, तो बड़ा इंटरेस्टेड बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था जो विक्रम जी ने मुझको डिस्कस किया, मुझको लगा कि साथ मिलकर मूवी जरूर करनी चाहिए। बेसिकली प्रोड्यूसर्स को लगता नहीं है, बहुत सॉरी नए प्रोड्यूसरों को लगता नहीं है, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको घुमाना पड़ता है, वो करने की कोशिश की है। सिंगर्स के बारे में जी मतलब अच्छा कुछ सिंगिंग पार्ट भी हम लोग को इस मूवी में देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्दी म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं, आई थिंक नेक्स्ट 7 or 10 days के अंदर कर देंगे, और म्यूजिक बेसिकली यहाँ बैठे हुए म्यूजिक डायरेक्टर अनुज गर्ग साहब बैठे हुए हैं, विजय केला जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक लिरिक्स दिया है उसमें, तो मेरा अरे ये कोई बात नहीं, प्लीज अगर देखना चाहें तो ये क्लब हो सकते हैं हमारे साथ, तो अनुज एक बात कहते थे मुझसे हमेशा, अनुज मेन म्यूजिक डायरेक्टर है मेरी फिल्म का, तो ये हमेशा कहते थे कि विक्रम फिल्म इंडस्ट्री में सॉन्ग सुनने का शौक बहुत कम लोगों को है, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं अच्छा कानसेन हूँ जो सिलेक्ट कर सके कि सॉन्ग क्या होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, इसलिए शायद हमारी मूवी अच्छी है। चलो ही टर्न कर लिया ये चिरंजी अरे बाहर कर लेंगे बैठे बाहर कर लेंगे जो किरदार है उसका नाम कुमार है,
एंड वो यू कैन से एक स्टार्टिंग टू एंटर इज इन इज मिड थर्टीज़, तो जब वो कुछ 20 साल का था तो वो एक लड़की ने उसका दिल तोड़ा, और क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे ज़्यादा तो उसको छोड़ के अमीर आदमी से शादी कर ली, और तब से यू कैन से वो एक लव डिप्रेशन में चला गया है. यू नो, थोड़ा सा प्यार करने से और किसी से करीब होने से डरता है वो, तो यू कैन से 15 साल से ही इज़ नॉट बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड, सोशली अकेला रहता है, यू नो, एनी दैट्स जस्ट बिकम हिज लाइफ. एंड उसकी ज़िंदगी फिर एक अलग मोड लेती है जब एक गलती से ही स्टार्ट्स कन्वर्सिंग विद दिस गर्ल इन द फिल्म नेम्ड खुशी, और फिर उससे मिलने चला जाता है कोलकाता, बिकॉज शी इज़ अ बंगाली गर्ल लिविंग इन कोलकाता, और उसके बाद क्या होता है दैट इज़ यू नो द क्रक्स ऑफ द फिल्म, बट इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, इसमें कॉमिक मोमेंट्स भी काफ़ी हैं एंड रोमांटिक मोमेंट्स भी काफ़ी. जैसे फिल्म की बात करें, ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो फिल्म आप तक कैसे, आपको कैसे मिली, किस तरह से आपने इस फिल्म की तैयारी की? मुझे मिली, उन्होंने फ़ोन किया मुझे और बोला कि ये फिल्म है, स्क्रिप्ट भेजा, मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फिर शुरुआत की. इसके लिए बेसिकली ऐसा कुछ मुझे रिसर्च नहीं करना पड़ा, यू नो आई थिंक सबका, जब वो 18-19 साल के थे तो एवरीबडी इज़ बिन थ्रू रिलेशनशिप्स जिसमें वो टूटे भी हैं, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज रखते हुए कि उस टाइम फीलिंग्स कैसी थी वो, और फिर बाकी जो इस किरदार में थे उसके साथ खेला गया. जैसे कहानी की बात करें, एडल्ट कॉमेडी भी है, थोड़ा लव स्टोरी भी है, तो म्यूजिक पे कितना ध्यान दिया गया है, और आपको कौन सा गाना ऐसा है जो आपका फेवरेट है? इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एडल्ट कॉमेडी उतनी नहीं है जितनी आजकल देखी जा रही है, यू नो, एक मेरे ख्याल से काफ़ी कंट्रोल्ड एडल्ट कॉमेडी है. एडल्ट भी उतना, यू नो, इट्स अ फन कॉमेडी विद दोज एलिमेंट्स, बट कहीं भी ऐसा यू कैन से यू नो यू नॉट क्रॉस द लाइन एज सच, सो यू नो इट्स अ फन फिल्म लाइक दैट. और दूसरा क्या सवाल पूछा था आपने? कॉमेडी फिल्म है, एडल्ट फिल्म है, तो आपको कितना एंजॉय किया इस फिल्म के लिए, किस तरह से? क्योंकि एडल्ट फिल्म थी, कितना एंजॉय किया, या मोमेंट, कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे ऐसा जिस तरह से ट्रेलर में? एक चीज़ काफ़ी एंजॉय ये किया कि अलग अलग जगह पे शूट हुई है फिल्म, हमने 4 शहरों में शूट किया, दिल्ली में शुरुआत की और फिर बॉम्बे में भी शूट हुआ, बेंगलोर और कोलकाता, एंड वो एक काफ़ी अच्छा हिस्सा था जो यू नो काफ़ी जगह शूटिंग हुई और कास्ट का मज़ा काफ़ी था. इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट आपका? इसके अलावा 2 फिल्म और मेरी रिलीज़ हो रही हैं, द मिरर गेम जो न्यूयॉर्क में शूट हुई है, और कुलदीप पटवल आई डिडंट डू इट. इसके अलावा थैंक यू. और मैं जब तुमको की हीरोइन हूँ, जिसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया खुशी का, तो आप नाम से ही पता चल रहा है खुशी, और इसमें मैं बंगाली गर्ल हूँ, और कैरेक्टर के बारे में अगर मैं करना चाहती हूँ तो वो जब तुम कहो में मैंने टीचर का कैरेक्टर प्ले किया है जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और यहाँ पे मैं एक बेटी की कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ और एक गर्लफ्रेंड का भी. तो अच्छा है, मुझे एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म की शूटिंग के दौरान, किस तरह से एंजॉय किया शूट को, उसके बारे में बताइए. हाँ, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जब मेरा शूटिंग हुआ था वो कलकत्ता में ही था, और मैं बचपन से कलकत्ता, मुझे पता है कहाँ पर क्या, तो लेकिन जब मैं मुंबई आई थी फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ के माहौल ये वो, तो उसके बाद मुझे लगा था कि जब तुमको करने के बाद क्या होगा. फिर मैंने सेकेंड मूवी साइन किया जो कंप्लीट हो चुका है, जो मार्च में रिलीज़ होने वाला है. अभी मैं थर्ड प्रोजेक्ट साइन की हूँ, जो मैं हम बाहर में जा रही हूँ शूटिंग करने के लिए, तो अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड. अच्छा, जब तुम कहो की बात करें तो आप तक कैसे आई फिल्म, आपको कैसे मिली उसके लिए, क्या आप किस तरह से तैयारी की अपने रोल के लिए, कैरेक्टर के लिए? हाँ, जब तुम कहो का कास्टिंग चल रहा था तो मैंने ऑडिशन दिया था, तो उन हमारे जो सर है डायरेक्टर सर, उनको हिंदी ऐसा चाहिए था, थोड़ा सा बंगाली टोन, क्योंकि कैरेक्टर वैसा ही था, तो उन्होंने जब ऑडिशन दिया तो मैंने जब ऑडिशन दिया तो उनको वो चीज़ मिला कि स्वीट भी रहे, मतलब थोड़ा टूटा मोटा हिंदी भी रहे, तो फिर उन्होंने कास्टिंग कर लिया. अच्छा, फिल्म की बात करें, जिस तरह से ट्रेलर में कॉमेडी दिखाया गया, तो ऐसा कोई मोमेंट है फिल्म के शूट के दौरान जो शेयर करना चाहेंगे?
कॉमेडी के टाइम पे तो आप लोग ने देखा है कि मैं नहीं थी, मैं तो प्यार के टाइम पे कोई सीन ऐसा जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक बार शेयर करना चाहूँगी क्योंकि हम लोग का जब एक शूटिंग हुआ था गंगा पानी में, आप लोग को पता ही है कैलकाटा में, तो वहाँ पे जब सुबह से शूटिंग हो रहा था तो वहाँ पे पानी भी नहीं था, खाना भी नहीं था, और हम लोग का पूरा दिन मतलब पानी खाने के बिना हम लोग वहाँ पे थे, और किसी ने बोला भी नहीं कि पानी पीना है, क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं चला कि मतलब हम लोग को भूख लगा है कुछ। अच्छा, ये आपकी पहली फिल्म है, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको कितनी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा? आप जिस तरह से फिल्म का पिक्चराइज किया गया और आपके रोल बोला, और फिल्म आने से पहले ही आपको दो फिल्में मिल चुकी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे जब ये कैरेक्टर दिया गया था खुशी का, मैंने कोशिश किया है, मेरा जितना 100% हो सके मैंने मूवी में दिया है। अभी मैं मतलब ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि ये जो कैरेक्टर मुझे दिया गया था वो मैंने सही से निभा पाया क्या नहीं, और ऑब्वियसली ऑडियंस जनार्दन और ऑडियंस का प्यार से ही मैं आगे जा सकती हूँ। तो आगे मौका मिले तो किस जॉनर की फिल्में करना पसंद करेंगी? सॉरी, किस जॉनर की फिल्में पसंद करना चाहेंगी? कॉमेडी? मुझे एक्चुअली मुझे मूवी इसलिए पसंद होता है क्योंकि मुझे अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करने मिलता है, अलग अलग कैरेक्टर करने मिलता है, तो मुझे अलग अलग कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। कभी रिपीट कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जो दो फिल्म कंप्लीट कर चुकी हूँ वो अलग अलग कैरेक्टर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तुमको वो जो टाइटल जब मैंने सुना था, तो अभी भी जब हम लोग कुछ बात करते तो बोलते जब तुम कहो, तो कोई भी बोलता जब तुम कहो, तो यार मिलेंगे तो बोलना चाहेंगे जब तुम कहो। और मैं ये और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब तुम कहो के बारे में मैं मेरे साथ किसी को बुलाना चाहती हूँ, वो है हमारे डायरेक्टर सर को, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो वो बोल ही पाएंगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारे रियल लाइफ में जो कैरेक्टर हमारे जो होते हैं वो इस फिल्म में है, पर मैं उनको बुलाना चाहती हूँ।